विषय के साथ आपकी बॉन्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था जब वो बाहर गए थे और उसके बाद जब री एंट्री हुई तो दोनों में आपके चेंजेस में काफी मतलब आपके बिहेवियर में काफी चेंजेस देखने मिले थे, उस पर क्या कहेंगे? सी मैंने कभी भी हम सब के बहुत झगड़े हुए हैं उस शो में और हम सब उन सिचुएशंस पे पहुँचे हैं जहाँ हम कभी अपनी लाइफ में नहीं पहुँचते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश रख के अपने हमेशा शब्दों में संयम रखा, मैंने कभी गाली गलौज नहीं की और मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इतना क्लियर रूल ब्रेक था वहाँ का कि वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था, तो मैं उसके उस एक्ट को सपोर्ट नहीं करता था और अगर अब मैं उसके एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर उसका रिजल्ट मुझे पता था कि उसको घर से जाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड थी। वो जब जा रहा था तो क्योंकि मुझे पता था कि उसके लिए वो घर कितना इंपॉर्टेंट था, उसने हमेशा अपने शब्दों में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इस शो में रहना चाहता है और बहुत अच्छा करना चाहता है, तो मुझे मुझे इसलिए उस दिन रोना आ रहा था कि मुझे उसके ऐसे होने पे रोना आ रहा था कि वो ऐसा क्यों इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी बनती हुई चीज़ों को हमेशा इतने पास आने के बाद यू नो वो बिगाड़ देता है, तो उस फीलिंग को मैं उसकी जानता था तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था उससे उस टाइम पर, तो मैं उस चीज़ के लिए सैड था, बट वो जो उसने किया था उसके लिए उसको घर में नहीं आना चाहिए था, मैं श्योर था, इसलिए मेरा बाद में वो रिएक्शन था जब वो आया कि वो एक अनफेयर डिसीजन था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका बॉन्ड जिस तरीके से अभिषेक के साथ बदला है फ्रॉम अ ब्रदर टू अ कॉम्पिटिटर थ्रू द सीन, वही कुछ सीन हमने मुनावर के साथ देखा था एंड चीजें तब बदली स्पेशली जब आयशा की एंट्री हुई थी। व्हाट यू वांट टू से? मतलब मैंने हमेशा वही फैसला लिया जो शायद उस समय पे सही था। अभिषेक के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन था शो में और बहुत अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग के दिनों में क्लोज थे, बट दिवाली टास्क के बाद उस कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ तरफ से हुई जिसको लेके मैं खुश नहीं था। फिर आयशा जब आई तो मुनव्वर भी एक सर्टेन तरीके से अपना स्टैंड नहीं रख रहे थे उन चीज़ों में और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और रियल होने की उनको ज़रूरत थी उस सिचुएशन में, तो मैंने उनको हमेशा कॉल आउट भी किया और बोला भी मैंने उनको कि आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से रखिए लोगों के सामने, अभी बिग बॉस का घर है, आप यहाँ से इससे बच नहीं सकते, अभी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं तो आप इवेंचुअली अपना जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए, अब लोगों को डिसाइड करने दीजिए वेदर वो उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे थे, तो मैं बहुत मतलब मैंने हमेशा उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो उस समय पे हो रही थी और मैं हमेशा उनके लिए वोकल रहा और मैंने जाके फेस टू फेस उन चीज़ों की बात की, कभी अभिषेक हो चाहे मुनव्वर हो, मैंने सबको फेस टू फेस जाके सब कुछ बोला जो मैं सोच रहा था बहुत स्ट्रांगली। सो नाउ व्हाट इज द बॉन्ड विद मुनव्वर? सी मुनव्वर के आर्ट फॉर्म को मैंने हमेशा बहुत पसंद किया, मैंने उसको हमेशा बोला कि तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उसने खुद एक्सेप्ट किया शो के ड्यूरेशन में कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग जहाँ जहाँ अपनी लाइफ में गलत रहे हैं उनमें वो सुधार लाना चाहेंगे, तो आई फील बस वो सुधार अपना वो सुधार ला ले उसका पर्सनल मैटर है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो वो घर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो जब तक आप उस घर में रहते हो तब तक रहती है, क्योंकि उससे निकलते ही जब आप अपने घर में लौटते हो अपने घर वालों के साथ मिलते हो और जिन लोगों ने आपको प्यार दिया होता है आपकी जर्नी में आप उसमें इतने ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि फिर वो फीलिंग्स वो प्रॉब्लम शायद उस घर में ही रह जाती हैं और शायद सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं सबके बीच में।